अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है हफ्ते में दो खाओ, हफ्ते में तीन खाओ, मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिए, लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवता। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है ये दो पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है ये स्कंद पुराण कहती है इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है तो वो गोखरु जो नीचे का रहता है वो टूटा हुआ गोखरु अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में दो बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना, शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाए। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देना है। साधारण नहीं है बेलपत्र। देवराज